में आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट नाइन न्यूज में दिवाली का आ चुका है मौका, तो ऐसे में दिवाली स्पेशल शो के साथ हाजिर हूं मैं आपकी होस्ट तृप्ति। चलिए इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे दिवाली के बारे में। दिवाली के मौके पर कैसे कैटरीना कैफ, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट का धमाल रहा, और इसी के साथ सबसे ज्यादा चर्चा रहा श्वेता आनंदा बच्चन का, जो कि अपने भाई अभिषेक बच्चन की एक्स करिश्मा से लिपटी रही, फोटोज लीक कराती रही, जहां जया बच्चन भी रही मौजूद, लेकिन अमिताभ का परिवार अलग अलग बढ़ता नजर आया। जया ने करिश्मा का नहीं किया सामना, अबू जानी खोसला के घर पर हुए पार्टी में जया हुई शामिल, लेकिन करिश्मा से नहीं हुआ उनका सामना। दूसरी तरफ श्वेता ने तो अपनी ननद यानी कि निखिल नंदा की कजन करिश्मा के साथ खूब लाड प्यार लुटाया। कैसे करिश्मा की वजह से माँ बेटी भी अलग अलग नजर आई। और तो और श्वेता ने अपनी ही भाभी जान ऐश्वर्या की वो जो दुश्मन कहला सकती हैं या फिर ये कहला सकती हैं कि पुरानी एक्स सौतन रही, उनसे दोस्ती निभा ली। वेल, ये भाभी ननद की जोड़ी कैसी नजर आई, कैसे बच्चन परिवार अलग अलग दिवाली के मौके पर नजर आया, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में दिवाली से जुड़ी ये खास झलक। जी हाँ, श्वेता नंदा बच्चन फिर से अपनी ननद करिश्मा कपूर के साथ स्पॉट की गई। वेल, मेगा स्टार अमिताभ की ये लाडली बेटी श्वेता करिश्मा के साथ क्या कर रही थी, इसका जवाब आपको जरूर देना चाहेंगे हम। दरअसल करिश्मा और श्वेता दिवाली के मौके पर दिवाली बैश के लिए तस्वीरें क्लिक करा रही थी, पोस्ट दे रही थी, ग्लैमर का तड़का लगाती ये दोनों दोस्त साथ नजर आई। वेल, आपको बता दें नंदा फैमिली की बहू है श्वेता नंदा, जिनके हस्बैंड निखिल नंदा है रितु नंदा के बेटे, और रितु नंदा है कपूर परिवार की बेटी। जी हाँ, ऋषि कपूर, रणधीर कपूर की बहन रितु नंदा, जिनकी लाडली भतीजी है करिश्मा, यानी कि रिश्ता है करिश्मा का श्वेता के साथ ननद भाभी वाला। ननद लगती है करिश्मा श्वेता नंदा की, ऐसे में भाभी बनी श्वेता अपनी ननद के साथ कैसे ना खुशमिजाज अंदाज में नजर आए। लेकिन अब सवाल ये है, क्या वाकई में ऐश्वर्या राय बच्चन की ये ननद श्वेता ऐश्वर्या के हस्बैंड अभिषेक बच्चन यानी कि श्वेता के भाई अभिषेक की एक्स फियोंसी करिश्मा के साथ उनका ये रिश्ता देख नहीं चौकी होंगी, जरूर चौकी होंगी, ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन हाल ही में स्पॉट की गई फिर से अपनी लाडली बेटी श्वेता बच्चन के साथ, श्वेता नंदा बच्चन के साथ लवी डवी बॉन्ड शेयर करते हुए, मदर नो ग्रेटर लव नो बिगर ब्लेसिंग देन मदर, इस तरह के कैप्शंस के साथ अमिताभ की बेटी श्वेता और उनकी मां जया की तस्वीर सामने आई है। वह दोनों ही दिवाली के जश्न में डूबे रहे, अमिताभ बच्चन को छोड़ बुढ़ापे में जया बच्चन अपनी बेटी के सहारे इस जश्न के माहौल में डूबी रही। बता दे अबू जानी खोसला के घर हुए दिवाली पार्टी को अटेंड करने के लिए जया पहुंची थी, जहां कुछ इस तरह की तस्वीरें क्लिक कराती नजर आई थी जया और श्वेता। वल, अबू जानी संदीप खोसला कोचर के घर पर जब इन दोनों माँ बेटी को तस्वीर क्लिक कराते देखा गया तो एक बात तो समझ आई, यहाँ दोनों ही काफी ग्लैमरस नजर आई हैं। यहाँ सज धज कर पहुंची माँ बेटी कहीं ना कर रही है इशारा कि घर की बहू बच्चन बहू थी काफी व्यस्त बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अभिषेक बच्चन के साथ हस्बैंड के साथ गोवा में, जिसकी वजह से बच्चन परिवार ने दिवाली सेलिब्रेट करने का मौका किसी खास करीबी के यहाँ चाहा और मौके का फायदा उठाया। रणबीर कपूर के लिए आखिर क्यों हुई है आलिया और कैटरीना के बीच ऐसी लड़ाई जो ड्रेस को लेकर रही, आज इस रात से हम उठाने वाले हैं पर्दा। रणबीर कपूर जो नजर आए न्यूयॉर्क से लौटने के बाद सलमान खान नहीं बल्कि शाहरुख खान के घर पर दिवाली पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए, रणबीर कपूर जो कि नजर आए जमकर पार्टी सेलिब्रेट करते हुए ब्लैक ड्रेस में, और उनके साथ कपल लुक में पोज देने के लिए ही पहुंची वहां पर उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट। लेकिन जिस ब्लैक ड्रेस में काफी खूबसूरत नजर आई आलिया भट्ट, उनकी तरह तो बिल्कुल नहीं नजर आई कैटरीना कैफ, बिल्कुल थोड़ी सी उनसे हटकर, लेकिन ब्लैक ड्रेस में वो भी लगी काफी हॉट। ऐसा लगा मानो यहाँ पर कैटरीना आलिया के बीच ड्रेस को लेकर
टक्कर हुई है, लड़ाई हुई है कंपटीशन वाली, दोनों लगी लाजवाब, दोनों की बॉन्डिंग आई सामने, लेकिन रणबीर कपूर के पीछे सलमान खान को छोड़कर कटरीना का आना वाकई बन गया है एक सवाल। क्यों अपनी को-स्टार सलमान खान से हटकर कटरीना ने यहाँ पर उनके बिना ही दिवाली सेलिब्रेट करने का लिया फैसला? तो आपको दे दे जवाब। इसके पीछे का कारण ये है कि फिल्म जीरो में शाहरुख के साथ कटरीना की बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी और फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है और इसी के साथ शाहरुख के साथ उन्हें प्रोशंस को लेकर बहुत ही ज्यादा बिजी रहना है। प्रमोशंस को लेकर काफी ज्यादा दोनों साथ नजर आएंगे। बॉलीवुड की बारबी डॉल यानी कि कटरीना कैफ हाल ही में अपनी खास दोस्त आलिया भट्ट के साथ नजर आई। आपको यकीन भरे ना हो लेकिन कटरीना कैफ आलिया भट्ट के साथ पोज देते हुए दिवाली के मौके पर काफी कुछ नजर आई है। नहीं कर पाएंगे आप यकीन लेकिन ये बिल्कुल सच है, कटरीना आलिया की जोड़ी बेहद सुंदर लगी। दिवाली के मौके पर दोनों की दोस्ती सामने आई। वल कटरीना ही है वो जो कि आलिया भट्ट को फैट टू फिट बनाने में आगे निकली, जिन्हें इंस्पायर कर कटरीना ने अपनी तरह फिटनेस गोल अचीव करने में हमेशा आगे रखा है। ये बात अलग है कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के साथ अपने टूटे रिश्ते की वजह से कटरीना आलिया भट्ट के रिलेशनशिप और रणबीर के साथ उनके अफेयर को लेकर कुछ अच्छी बात तो अब तक नहीं कह पाई, लेकिन हाँ कटरीना के साथ आलिया का ये व्यवहार एक बात की तरफ करता है इशारा कि रणबीर की एक्स गर्लफ्रेंड होने पर भी कटरीना से आलिया को कोई परेशानी नहीं। वल देखिए जरा ये तस्वीरें, ये कोई और नहीं बल्कि आप सभी की फेवरेट कटरीना कैफ है जो अपनी बहन इजाबेल के साथ गाड़ी में बैठी खुश होती नजर आई है, मुस्कुराती नजर आई है, जिन्हें हाल ही में सम्मान देते हुए शाहरुख खान ने कुछ ऐसे स्वागत किया ट्रेलर लॉन्च के मौके पर। अपनी आने वाली फिल्म जीरो के ट्रेलर के प्रमोशन के दौरान कि हर कोई रह गया हैरान। वल कटरीना शाहरुख खान के घर दिवाली मनाने पहुंची थी, उस शाहरुख खान के घर पर जहां पर शाहरुख खान का बसेरा है, उस शाहरुख खान के साथ दिवाली सेलिब्रेट करने पहुंची कटरीना, जिन्होंने खुलकर ये बात स्वीकारी है कि उन्होंने कटरीना को डांट भी लगाया है, लेकिन इसके लिए वो माफी तक मांगते हैं। खैर देखिए कटरीना कितनी खुश नजर आई, गाड़ी के अंदर से ही मीडिया के लिए एक्सप्रेशंस देती नजर आई, मुस्कुराती नजर आई। अर्जुन कपूर को यानी कि अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड को ही दीवाना बनाने के लिए वहां तमाम लोगों के बीच, सितारों को अपना दीवाना बनाने के लिए, हर किसी के बीच तारीफ लूटने के लिए ही गर्लफ्रेंड अर्जुन कपूर की रूमर्ड गर्लफ्रेंड मलाइका पहुंची गजरा लगाकर। इस बार दिवाली के मौके पर उनका ये जलवा देख कोई भी ये कह दे कि वाकई में मलाइका अरोड़ा का ये अवतार कहीं ना कहीं अपने फैंस के लिए ही नहीं बल्कि अपने करीबियों के लिए रहा। मलाइका अरोड़ा का ये कहना था बीते कुछ दिनों पहले सोशल इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर उनके पोस्ट के जरिए सच सामने आया था कि वो इस एज में अपने करीबियों के लिए, उन लोगों के लिए जीती हैं, उन लोगों के साथ रहना पसंद करती हैं जो उन्हें प्यार देते हैं, जिनके साथ वो कंफर्टेबल होती है। ऐसे में जिन्हें स्पॉट किया गया था इटली में अर्जुन के साथ हाथों में हाथ डालकर घूमकर, मतलब यहाँ साफ जाहिर है कि अर्जुन के साथ रहना पसंद करती है मलाइका। इस बार दिवाली के मौके पर अर्जुन मलाइका दोनों साथ पहुंचे थे एक दिवाली बैश के लिए शाहरुख खान के घर पर, जहां मलाइका गजरा लगाकर ब्लैक ट्रेडिशनल सुपर एथनिक लुक में नजर आई। दिवाली के मौके पर जैसे जैसे सितारों की मंडली लग रही है, एक के बाद एक फैंस को लेकर नई नई खबरें आ रही है, लेकिन इसी बीच प्रियंका चोपड़ा की जो तस्वीर सामने आई है उनकी दिवाली की खास झलक है। दिवाली के मौके पर प्रियंका चोपड़ा जो नजर आई अपने परिवार के बीच दिवाली सेलिब्रेट करती, साड़ी पहनी हुई दुल्हन की तरह दुपट्टा ढकी हुई, सिर को ढकी हुई, ऐसा लगा मानो इंटरनेट आयर में खुद को एक बहु रूप में प्रेजेंट कर रही हो
प्रियंका चोपड़ा। आपको बता दें प्रियंका चोपड़ा दिवाली के मौके पर कुछ इस तरह से सेलिब्रेट कर चुकी हैं दिवाली। ये बात अलग है कि इस तस्वीर में नजर नहीं आई उनकी मां, ना ही नजर आए हैं उनके परिवार के कोई और सदस्य, जैसे कि उनकी होने वाली सासू माँ, उनके होने वाले हस्बैंड। लेकिन कितनी खुश हैं प्रियंका चोपड़ा आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, जो बिल्कुल तैयार है दुल्हन की तरह सजने के लिए। त्योहार से दो दिन पहले तस्वीर साफ कर रही है इशारा कि प्रियंका ने शादी के लिए खुद का माइंड पहले ही बना रखा था। तो ये था हमारा आज का शो दिवाली स्पेशल, जिसमें हमने आपको बताया दिवाली से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें जिसमें कटरीना का नाम, आलिया का नाम, रणवीर का नाम, श्वेता नंदा बच्चन का नाम, जया का नाम, इनसे अलग हटकर अमिताभ, ऐश्वर्या, अभिषेक सब दूर नजर आए। कैसे दिवाली की पार्टी ने बच्चन परिवार को अलग अलग रहने पर मजबूर कर दिया। आलिया और कटरीना को तो करीब लाने में ये दिवाली ने बेहतर मौका बना दिया। लेकिन शाहरुख की पार्टी में रणवीर जहां मौजूद थे, वहां कटरीना आलिया के बीच जबरदस्त खूबसूरती की भिड़ंत हुई, इसमें भी कोई शक नहीं। प्रियंका की दिवाली कैसी रही थी पहले ये तो हमने आपको बताया। तो वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का। दिवाली स्पेशल में इतना ही, अगली बार लौटेंगे फिर से नई खबरों के साथ, नई स्पेशल रिपोर्ट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहें आप हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।